Hey guys, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Kashmira and I'm here with another bottle art video. And in today's video, हम कुछ ऐसी बॉटल यूज़ करने वाले हैं जिस पे ऑलरेडी प्रिंट होता है और वो प्रिंट हम निकाल नहीं सकते. तो उस बॉटल के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे. तो उसके लिए मैं पहले वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, नंबर 10. तो हम इस फ्लैट ब्रश से एक कोट देंगे बॉटल को और उसको ड्राई होने देंगे फॉर 6 to 8 hours. एंड उसके बाद हम सेकेंड कोट देंगे और सेकेंड कोट ड्राई होने के बाद ये बॉटल ऐसी दिख रही है. इस पर दो कोट्स ऑलरेडी है. दो कोट्स देने के बाद वो थोड़ा सा जो प्रिंट है वो अभी नहीं दिख रहा है. उसके बाद हम इस पर ये वाला शेड देने वाले हैं और इसके लिए भी हम फ्लैट ब्रश ही यूज़ करेंगे. यही सेम प्रोसीजर आप स्पंज से भी कर सकते हो, मतलब फर्स्ट कोट स्पंज से दे सकते हो, फिर उसको ड्राई होके फिर सेकेंड कोट, और ये वाला जो कलर है वो भी आप स्पंज से अप्लाई कर सकते हो बॉटल पे. बट दोनों ही केस में आपको कलर पूरे 6 to 8 hours हर एक कोट को ड्राई होने देना पड़ेगा. सी, अगर आपके पास ये वाला कलर नहीं है तो उसके जगह पे आप ये मल्टी सरफेस पेंट भी यूज़ कर सकते हो. उसमें जो शेड है आईसी एक्वा, वो शेड आप सिमिलर शेड है, ऑलमोस्ट सिमिलर शेड है. और जो मल्टी सरफेस पेंट्स है उसकी फिनिशिंग भी बहुत अलग आती है नॉर्मल फेविक्रिल के जो एक्रेलिक पेंट है उससे, तो आप वो वाले भी यूज़ कर सकते हो. ये एक कोट मैंने मल्टी सरफेस पेंट का दिया है इस बॉटल पे और अभी मैं सेकेंड कोट दे रही हूँ. मल्टी सरफेस पेंट्स ड्राई होने के लिए 6 to 8 hours रुकने की ज़रूरत नहीं होती है. मल्टी सरफेस पेंट्स ऑलमोस्ट मैक्सिमम 2 hours में वो पूरे ड्राई हो जाते हैं. जनरली मतलब जो एक्रेलिक कलर्स हम यूज़ करते हैं जो 20 rupees के बॉटल में आते हैं, उससे ये वाले जो पेंट्स हैं वो बेटर है. इसकी क्वालिटी भी बेटर है. बस जो मल्टी सरफेस पेंट्स होते हैं उसका जो प्राइस है वो है 150 rupees. तो आपको एक शेड के लिए 150 rupees देना पड़ेगा. वेयर एज अगर आप फेविक्रिल के छोटे कलर्स लेते हो तो आपको 20 rupees में ही एक शेड मिल जाती है. तो सी, दो कोट होने के बाद ये ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी ड्राई हो चुका है पूरा. उसके बाद हम इस पर ये एक्रेलिक मार्कर जो है वो यूज़ करने वाले हैं. मैं फ़र्स्ट टाइम ये एक्रेलिक मार्कर यूज़ कर रही हूँ बॉटल पे. नॉर्मल परमानेंट मार्कर्स बहुत यूज़ किए बट ये वाला यूज़ नहीं किया. तो लेट्स ट्राई दिस. तो इस पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो फॉलो करके हम उसको यूज़ करेंगे. पहले आपको इस तरह से वो पेन को शेक करना पड़ेगा थोड़े देर तक, उसके बाद उसका जो निब है उसको को इसे थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा 3 to 4 times. एंड उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट. जब मैंने पहली बार यूज़ किया था तब वो ज़्यादा इंक नहीं आ रहा था बाहर, ये मेरे को बाद में समझ में आया. और फिर मैंने फिर से उसको थोड़ा सा और शेक किया और फिर उसको थोड़ा प्रेस किया, फिर ये अच्छे से निकल के आया. यही सेम चीज़ हम ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्रश यूज़ करके गोल्डन कलर जो है उसको यूज़ करके कर सकते हैं. बट फिनिशिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट आती है. मैंने ट्राई किया था एक पे गोल्डन कलर से, बट गोल्डन कलर की फिनिशिंग ऐसी नहीं आती है. जो एक्रेलिक मार्कर्स है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड फिनिशिंग देते हैं इस तरह से. और हम जैसे पेन से कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं, पेन से, पेंसिल से, वैसे हम इजीली मार्कर से ड्रॉ कर सकते हैं. तो ब्रश से अगर कंपेयर करें हम तो मार्कर बहुत ज़्यादा इजी है. इसके पहले मैंने एक वीडियो में परमानेंट मार्कर यूज़ किया था ब्लैक कलर का, उसका लिंक मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आई बटन में दे देती हूँ. और इस तरह से मैंने पूरी बॉटल को ऐसे लीव्स बनाए हैं, एक पैटर्न कंटिन्यूस रखा है मैंने ये वाला. और इसके बाद हम बॉटल का जो ऊपर का पोर्शन है उसके लिए हम ये मेटालिक वैक्स है हमारे पास वो यूज़ करेंगे. इसकी जगह पे आप नॉर्मल गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हो. इसको ऐसे हम लगा सकते हैं डायरेक्टली जस्ट टू गिव दैट बॉटल मेटालिक लुक. इस बॉटल का जो ऊपर का पोर्शन है उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ थे मेरे दिमाग में, जैसे कि थ्रेड लगा सकते हैं हम कोई गोल्डन कलर का, या फिर कोई फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स भी लगा सकते हैं.
बट गोल्डन कलर का जो थ्रेड था उसका वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था, और जो हमने थीम बनाई है वो ओवरऑल बॉटल की उस पर बहुत ऐसे शाइन, आई थॉट अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने फिर ये मेटालिक बैग्स चूज़ किया। उसका शाइन ज़्यादा नहीं होता है और अब पूरे बॉटल को एक मेटालिक लुक भी आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये वाला चूज़ किया। बट आपके पास ये नहीं रहेगा तो आप कोई थ्रेड यूज़ कर सकते हो, या फिर छोटे छोटे फ्लावर्स भी बहुत अच्छे दिखेंगे इस पर, और थोड़ा बहुत बॉटल के नीचे के साइड में, एंड डन। आप इस पर कोई भी वार्निश यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यूज़ नहीं किया है बिकॉज मल्टी सरफेस पेंट यूज़ किया था मैंने, उसके लिए वार्निश की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। सेम पैटर्न मैंने एक कैंडल रखने के लिए भी किया है। लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच द ट्यूटोरियल फॉर दिस वन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।